फूलमाली समाज द्वारा अणबोली महोत्सव के तहत निकाली ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा। फूलमाली समाज उदयपुर के तत्वावधान में दो दिवसीय दो सामूहिक अणबोली उद्यापन महोत्सव के तहत आज ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रवक्ता महेश गढ़वाल जय नारायण माली ने संयुक्त रूप से बताया कि शोभा यात्रा मालीवाड़ा स्थित ठाकुर जी मंदिर से दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुई, जो कि गाजे बाजे से साथ यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित A1 स्कूल पहुंची। यहां पर ठाकुर जी के विश्राम के बाद सभी समाज जन एकत्र होकर महाआरती के पश्चात भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें हाथी घोड़े बग्गी डीजे ढोल नगाड़े बैंड बाजे सहित श्रीनाथ जी की विशाल तस्वीर की झांकी शोभा यात्रा में शामिल की गई। पालकी में विराजे ठाकुर जी के पीछे महिलाएं पुरुष बच्चे आदि डीजे पर बज रहे ठाकुर जी के मंगल गीतों पर नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के मार्ग में भक्तों द्वारा ठाकुर जी पर पुष्प वर्षा कर आरती की गई। शोभा यात्रा में महिलाएं पीली साड़ी पुरुष सफेद पोशाक व पगड़ी पहने हुए थे। शोभा यात्रा मार्ग में कई जगह समाज बंधुओं द्वारा अल्पाहार एवं जल व्यवस्था की गई थी। इस शोभा यात्रा में पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया। सामूहिक अणबोली उद्यापन महोत्सव में आज 172 जोड़े भाग लेंगे। उद्यापन कार्यक्रम सोपित स्थित नंद भवन में बनाए गए विशाल भव्य वाटरप्रूफ पांडाल में सुबह 4 बजे हवन आरती पूर्णाहुति व विधि विधान के साथ पंडित जी व उनकी टीम द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में समाज द्वारा गठित की गई आयोजन समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता व समाज के युवा कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग रहा। दीपक माली की उदयपुर से यह स्पेशल रिपोर्ट।